देखिए रात के समय ये मैप होता है, मतलब कि जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाटर है, और ये जो वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा है लाइंस, ये एयरप्लेन का ट्रैवलिंग एरिया है, मतलब कि एयरप्लेन यहाँ से ट्रैवल करते हैं इसी जगह से। अब जब वो कोई पानी के ऊपर से फ्लाई करेगा तो आवाज़ तो वैसे नहीं आएगी, अगर देखो भी पानी के है, पानी के ऊपर प्लेन है, पानी के नीचे से कुछ है ही नहीं, फिश है, फिश को तो आवाज़ का मतलब ही नहीं है कोई। और अगर हम ट्रैवल करेंगे सिटी के ऊपर से तो शोर तो वैसे ही आएगा, ये होता है, कुछ फैक्ट है इसके अंदर। अब हम बात करें तो जो प्लेन का इंजन होता है ये ही सबसे ज़्यादा शोर करता है, नॉइस करता है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स थ्रस्ट के अंदर डाल देते हैं, मतलब कि इंजन को रिवर्स थ्रस्ट के अंदर हम डाल देते हैं, तो ये नॉइस उससे भी ज़्यादा करता है, मतलब कि नॉइस उससे ज़्यादा करता है। इसलिए कभी भी आप देख लेना, लैंडिंग करते वक्त पायलट कभी भी रिवर्स थ्रस्ट नहीं खोलता, ये एयर को अपोजिट डायरेक्शन में भेजने के काम आता है। इससे प्लेन की जो स्पीड है वो तो कम हो जाती है, लेकिन जो नॉइस है वो अधिक हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा हो जाती है। सो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, और दोनों केसों के अंदर सब्सक्राइब का प्रेस कर देना, प्लस बेल आइकन को ऑल पे कर देना। थैंक्स फॉर सपोर्ट।